बढ़ती सर्दियों में ठंड का एहसास सिर्फ इंसान ही नहीं भगवान को भी होने लगा है। जिस तरह हम सभी ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, ठीक उसी तरह इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भगवान गणेश को ठंड से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। खजराना गणेश मंदिर परिसर में जितने भी भगवान के मंदिर हैं, सभी में भगवान ऊनी और गर्म पोशाकों में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक भट्ट का कहना है कि वैसे तो भगवान को ठंड नहीं लगती है, लेकिन खजराना गणेश 24 घंटे दर्शन देते हैं, इसीलिए माघ शेष मास की 11 से भगवान गणेश जी को ऊनी और गर्म पोशाकें पहनाई जा रही हैं। उन्हें रोज रात 11 बजे रजाई ओढ़ाई जाती है और सुबह 6 बजे उस रजाई को हटाया जाता है। पुजारी का कहना है कि ये खास रजाई हिमाचल प्रदेश के भक्तों ने भगवान गणेश के लिए भेजी है, जिसे ओढ़कर भगवान सोते हैं। ये गर्म पोशाकें गणेश के अलावा शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि को भी पहनाई जाती है। मंदिर प्रांगण के सभी भगवानों को ऊनी वस्त्र पहनाए जाते हैं। परिसर में जो छोटे मंदिर हैं, उसमें पुजारी अपने अपने हिसाब से भगवान को ऊनी वस्त्र धारण कराते हैं। जो शीत ऋतु चल रही है और ठंड का माहौल है, तो ऐसे समय में भगवान गणेश जी महाराज को भी गर्म और ऊनी वस्त्र यहाँ पर रात को भगवान गणेश जी को धारण कराए जाते हैं। रात को 11 बजे ये ऊनी वस्त्र भगवान को पहनाए जाते हैं और सुबह 6 बजे इनको निकाल देते हैं। अभी ठंड बहुत पड़ रही है, इसलिए भक्तों की भावना रहती है, भावना के हिसाब से सब ये कारण चलता है। तो किसी भक्त द्वारा या भगवान को या गणेश जी की पोशाक दी गई और या भगवान को पिछले 11 के दिन मार्ग शीर्ष मास की 11 के दिन भगवान को ये वस्त्र धारण कराए। बता दें कि भगवान गणेश उनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ ही बजरंगबली, दुर्गा माता, लक्ष्मी जी, काल भैरव, भगवान बालाजी, कृष्ण भगवान, राम जानकी और महादेव शिवलिंग को रोज शाम को संध्या आरती श्रृंगार में गर्म पोशाकें और दिन में भी गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं।